इस एक और वीडियो में हम सभी का स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने एनिमे रिव्यू के अंदर ये एपिसोड्स निकाले, गार्डन ऑफ द वर्ड्स, अटैक ऑन टाइटन सीजन 2, रेड ऑफ हेलर, डोमेस्टिक गर्लफ्रेंड एंड टोक्यो रिवेंजर्स। तो एपिसोड 7 में हम लोग बात करने वाले हैं डेमन स्लेयर के बारे में। दिस इज द मोस्ट पॉपुलर एनिमे एंड जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं आई गेस 75-80% लोगों ने ऑलरेडी देख लिया। जो 20-25% लोगों ने नहीं देखा, They should really watch this anime. तो मैं से बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे इस एनिमे को रिव्यू करने के लिए, तो here's the review of Demon Slayer. Fucked and drank all night, acted all alright, had no need to fight tonight, tonight. ये एनिमे मेरे टॉप 5 फेवरेट के अंदर आता है। तो इस एनिमे के अंदर एक लड़का रहता है जिसका नाम होता है तंजीरो, एंड अर्ली एज में वो अपना जो फादर है उनको खो देता है। एंड तुम लोगों को पता है व्हेन यू आर द ओनली गाय इन योर फैमिली, जब तुम इकलौते एक लड़का होते हो अपने फैमिली में, तब तुमको पूरा फैमिली संभालना पड़ता है। तो उसके फादर के डेथ होने के बाद बहुत दिक्कत होती है, बट स्टिल वो लोग बहुत शांति से एंड आराम से रहने लगे। एंड जो तंजीरो है, जो मेन कैरेक्टर है डेमन स्लेयर का, तो एक दिन तंजीरो अपने फैमिली के लिए कुछ पैसे कमाने के लिए जो लकड़ी से जो कोयला बनता है ना, वो बेचने के लिए जाता है लोकल विलेज में। क्योंकि जब तुम फैमिली में सबसे बड़े होते हो, तुम्हारे ऊपर भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, तो इसलिए वो वहां पर जाता है एंड कुछ पैसे कमाने के लिए जो कोयला है वो बेचने जाता है। एंड एक चीज मैं मेंशन करना भूल गया, तंजीरो के अंदर एक पावर होता है जिससे वो ब्लड की जो स्मेल है बहुत दूर से सूंघ लेता है। तो जब वो अपने लोकल विलेज से घर पहुंच रहा होता है, तब ना वो सडनली ब्लड के स्मेल आते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्लड के स्मेल। और ये एनिमे डीमंस रिलेटेड है, बहुत ही खतरनाक एंड डरावने डीमंस होते हैं इस एनिमे के अंदर, एंड बहुत ही खतरनाक है भाई सच्ची में। तो वो जाते वक्त ना किसी से मिलता है एंड वो उसे एडवाइस देता है कि नहीं, रात को नहीं जाना चाहिए, तुम एक दिन के लिए यहाँ पर रुक जाओ। तो उस दिन वो वहाँ पर रुक जाता है एंड अगले दिन सुबह जब अपने घर पहुँचता है एंड पहुँचने के बाद देखता है चारों तरफ भाई सब ब्लड ही ब्लड, एंड डीमंस ने उसके जो फुल फैमिली है खत्म कर दिया भाई। ऊपर वाला ऐसा ना कर, जस्ट इमेजिन तुम एक दिन गए एंड दूसरे दिन वापस आके देख रहे हो कुछ ऐसा, एंड हाउ डू यू फील। तो वैसे ही उसके साथ होता है एंड जितने लोग थे दे डाइड एक्सेप्ट उसकी एक बहन जिसका नाम है नेज़ुको। तो जब उसको पता चलता है उसकी बहन अभी भी जिंदा है, तो वो तुरंत ही अपने बहन को पीछे बिठा के लेकर चलता है इलाज कराने के लिए। एंड उसको पता है बहुत ही ज्यादा दूर है उसके गांव से, बट स्टिल वो चलता रहता है चलता रहता है। ये चीज देखने के बाद I was like, भाई ये एनिमे भाई खतरनाक होने वाला है। एंड ये चीज होता है एपिसोड 1 में, तो ऐसा मत सोचना कि ये कोई मेजर स्पॉइलर है, क्योंकि एनिमे की जो शुरुआत है 10 सेकंड के अंदर तुमको यही देखने को मिलता है। Don't die on me, no matter what it takes, I'll save you. तो वहां से शुरू होती है असली स्टोरी। एंड भाई आगे जो क्या क्या होता है भाई मैं तुमको बता के समझा नहीं पाऊंगा। एंड उसकी जो बहन है शी बिकम अ डीमन। और यहाँ पर एक और चीज मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि जो लोग नए नए ये एनिमे देखेंगे उन लोगों को थोड़ा समझने में इजी हो। इस एनिमे के अंदर ऑलरेडी मैंने बता दिया कि डीमंस होता है जो लोगों को मारता है खाता है, एंड दूसरी तरफ डीमन स्लेयर होता है जो डीमन को मारता है मतलब लोगों को बचाता है। एंड हर एक डीमन स्लेयर के पास एक स्पेशल सोर्ड होता है जिससे वो डीमन को मारता है, एंड डीमन को मारने के लिए उसको नेक जो है वो काटना पड़ता है गला। एक डीमन जो है नॉर्मली वो जितने इंसान को खाएगा उतना ही ज्यादा वो पावरफुल बनेगा। तो दिस आर द बेसिक थिंग्स, एंड ये मैंने इसलिए बताया ताकि तुम लोगों को समझने में कुछ उलट पुलट ना हो जाए। तो इस एनिमे का मेन कैरेक्टर है तंजीरो, वो अपनी बहन को बचाने के लिए भाई क्या कुछ नहीं करता है, डीमन स्लेयर बनने के लिए इतना हार्ड वर्क करता है, इतना ट्रेनिंग करता है। वो देख के ना भाई
आई डोंट नो भाई, तुम खुद ही देख लेना भाई, इतना लाइक एक मैसेज देता है भाई, हार्ड वर्क पेज ऑफ। एंड यहाँ पर इस एनिमे के कुछ कैरेक्टर के साथ मैं तुम लोग को इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। द फर्स्ट वन तंजीरो ऑब्वियसली, द सेकेंड वन नेजुको, थर्ड वन ज़ेनित्सु, इनोसुके, और भी बहुत सारे पावरफुल कैरेक्टर्स हैं इंक्लूडिंग हाशियास। एंड अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो भाई मैं इतना बोलूंगा, अब ये अगर तुम लोग कोई लंबी एनिमे देख रहे हो, जो भी देख रहे हो, बस 3 दिन के लिए तुम उसे पॉज करो, 3 दिन के लिए पॉज करो एंड ये एनिमे देख लो। ओनली 26 एपिसोड्स है इस एनिमे के अंदर, इंग्लिश डब एंड इंग्लिश सब दोनों में है, तुमको जो मर्जी वो देखो। बट इस एनिमे का इंग्लिश डब भी बहुत ही अच्छा है, मैंने 2 बार देखा है, एक इंग्लिश सब में देखा है एंड एक बार इंग्लिश डब में देखा है, बट दोनों बहुत अच्छा है, तो तुम्हें जो मर्जी वो देख सकते हो। इस एनिमे का जो एनिमेशन है तुम मेक श्योर 10 out of 10, स्टोरी लाइन 10 out of 10, 5 scenes insane भाई। नहीं, जो मैं बैकग्राउंड म्यूजिक यूज कर रहा हूँ ये भी डिमोन स्लेयर का ही है। एंड कुछ लोग तुम में से पूछेंगे कि तेरा फेवरेट कैरेक्टर कौन है, माय फेवरेट कैरेक्टर इज ज़ेनित्सु एंड नेज़ुको ऑब्वियसली। एंड यहाँ पर जिन लोगों को पता नहीं उन लोगों को बता दे दो, शायद तुम लोगों ने नोटिस किया मेरा जो वीडियो का आउट्रो है, मेरे वीडियो का आउट्रो, वहां पर मैंने बहुत बार ज़ेनित्सु का आउट्रो मैंने यूज किया, तो नोटिस किया है तो किया है। एंड कई बार तो मैंने डिमोन स्लेयर का सॉन्ग भी यूज किया, इतना फाड़ हुआ ये एनिमे। जिन लोगों ने ऑलरेडी ये एनिमे देख लिया तुम लोग कमेंट सेक्शन पे बताओ, आर यू गाइस एक्साइटेड फॉर सीजन 2 और नॉट, एंड अपना ओपिनियन दो कमेंट सेक्शन में, एक एक कमेंट रीड करता हूँ। एंड अगर ऐसे और भी एनिमे रिव्यू वीडियो चाहते हो पार्ट 8 एंड किस एनिमे के ऊपर चाहते हो तुम लोग कमेंट करके बताओ। एंड या जिन लोगों ने ऑलरेडी नहीं देखा है मैं बता रहा हूँ भाई, एक बार देख लेना, बहुत ही ज्यादा फाड़ू है एनिमे। तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर मन करे तो वहां से देख लेना। तो चलो वीडियो पसंद आए सब लोग मिलके एक साथ भाई लाइक बटन दबाओ, तुम्हारा लाइक बटन देखने के बाद पता चलता है कि तुम इंजॉय कर रहे हो, एंड कमेंट ऑब्वियसली करना। चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब ठोको, सब्सक्राइब करने के बाद पास में जो घंटा उसे दबा के ऑल पे सेट करो, कर दो यार सब्सक्राइब करने से क्या जाता है, मजा आता है। एंड अपने भाई के साथ एनिमे रिलेटेड कोई बातचीत करना है, जो भी करना है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, इंस्टाग्राम पे आ जाओ यार फटैक्स टैग लगा के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।